रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉल न्यूज़ के साथ मैं हूं सईदा इकराम मुशर्रफ। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे, खबर देंगे आपको शहर इक्तदार इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के सदर परवेज शौकत का अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से नुमान सुलहरी से। जी, आज पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के बाद सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद ने अरशद शरीफ के घर पर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। इस मौका पर PFUJ वर्कर्स के सदर परवेज शौकत ने कहा कि अभी मुझे सीनियर सहाफ़ी और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ के दर्दनाक कत्ल की इतला मिली, जिस पर शदीद दुख हुआ और ये दर्दनाक वाक़ सुनकर दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं केनिया की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस कत्ल के वाक़े की तहकीकात करके मुल्ज़िमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और इस वाक़े के मुहर्रिकात को पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी तक पहुँचाया जाए और हमें मुतमिन किया जाए। मैं अरशद शरीफ की शहादत पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान करता हूँ। मेरे तमाम मेंबर अहदेदार जो हैं काली पट्टियाँ बांध कर अपने प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे और मैं IFJ से भी मुतालबा करता हूँ कि वो इस कत्ल की तहकीकात में अपना किरदार अदा करे। हम शदीद मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान फेडरल जर्नलिस्ट वर्कर इस वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करें। सियालकोट से खबर शामिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे खालिद चीची की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट हिंदू बिरादरी की जानिब से शवाला तेजा सिंह मंदिर में दिवाली की रंगारंग तकरीबात मर्दों के साथ बच्चों और ख्वातीन की भी शिरकत, मुल्क पाकिस्तान के लिए पुरतनाइयाँ। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी हिंदू बिरादरी की जानिब से दिवाली का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शवाला तेजा सिंह मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। दिवाली की तकरीब में शिरकत के लिए मर्द के साथ ख्वातीन और बच्चे इस तकरीब को मना रहे हैं। मरियम औरंगजेब की मरहूम एंकर पर्सन अरशद शरीफ के घर आमद, वज़ीर इत्तला'आत का मरहूम अरशद शरीफ की अहलिया, बच्चों और तमाम अहले खाना से इजहार हमदर्दी और तासियत। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्जा की इस रिपोर्ट। पाकिस्तान के सीनियर मारूफ एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया में पुलिस की जानिब से सर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उनकी इस हलाकत के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, स्पीकर व डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर वज़रा ने उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब की मरहूम एंकर पर्सन अरशद शरीफ के घर आमद हुई। वज़ीर इत्तला'आत का मरहूम अरशद शरीफ की अहलिया, बच्चों और तमाम अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर इत्तला'आत का मरहूम अरशद शरीफ ने बच्चों और अहलिया को और दीगर अहले खाना को इस बात पर तसल्ली दी। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने के लिए तमाम इकदाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर अरशद शरीफ की वालदा से ताज़ियत की और अहले खाना से हमदर्दी की और कहा कि अरशद शरीफ की खबर वफात की सुनकर बेहद रंजीदा हूँ। अरशद शरीफ की वालदा ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरशद शरीफ की मैयत जल्द पाकिस्तान लाने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि इस सिलसिले में तमाम हंगामी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। अरशद शरीफ की वालदा ने कहा, आप मेरे छोटे बेटे अरशद शरीफ के भाई की वफात पर भी ताज़ियत के लिए आए थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में कीनिया की हुकूमत से मुसलसल रबते में है। मरहूम अरशद शरीफ की मैयत को वतन वापसी लाने के लिए खारजा और दाखला की वजारतों को फौरी इकदाम की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी दाखला को मैयत की वापसी के अमल को तेज तर बनाने की हदायत की। दोनों वफाकी सेक्रेटरीज को कीनिया के हुकाम से रबते में रहने की हदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों सेक्रेटरीज को मैयत की वतन वापसी के तमाम मराहिल के ज़ाती तौर पर
निगरानी करने की हदायत की है। जाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होते ही मरहूम अरशद शरीफ की मैयत को पाकिस्तान लाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से कौमी कमीशन राय इंसानी तरक्की के चेयरमैन कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर अमीरुल्लाह मरवत की मुलाकात, तफसीलात से आगाह करेंगे इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्जा। सदर मुमलिकत से कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की के चेयरमैन कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर अमीरुल्लाह मरवत की मुलाकात हुई। मुलाकात में सदर आरिफ अलवी का स्कूल से बाहर बच्चियों को स्कूल दाखिल कराने के लिए मौसर इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसानी वसाइल की तरक्की किसी भी मुल्क की समाजी और इक्तसादी तरक्की में बुनियादी हैसियत की हामिल है। सदर ममलिकत का ख्वानदगी और प्राइमरी तालीम से मुतालिक इंसानी तरक्की के अशारियों को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नौजवानों की महारत को बढ़ाने के लिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स अपनाने की ज़रूरत है। मुल्क की शरह ख्वानदगी को बढ़ाने के लिए स्कूल से बाहर बच्चों बिलखसूस तलबात की तालीमी यकीनी बनानी होगी। सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में स्कूल न जाने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ है। मुल्क में शरह ख्वानदगी बढ़ाने के लिए तालीम बालगा और गैर रस्मी बुनियादी तालीम पर काम करें। उल्मा के तामन से मसाजिद को फजर और जहर की नमाज के दरमियान तालीम बालगा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चेयरमैन कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की की सदर ममलिकत को अदारे के बारे में ब्रीफिंग दी। कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की ने पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट फंड की माली तावन से 3,000 ख्वानदगी मराकज का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की अब तक 14 लाख से जायद स्कूल से बाहर बच्चों का इंदराज कर चुका है। कबल अजी चेयरमैन कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की ने सदर ममलिकत को साल 2021 की सालाना रिपोर्ट भी पेश की। खबर शामिल करेंगे स्वीडन से। 11वीं शरीफ स्वीडन की ज़ेरे तमाम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूर्ण नूर तकरीब आपको बता रहे हैं मुनक़िद हुई है और गुलाफ़े काबा की ज़ियारत ख़वातीन और बच्चों समेत कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। स्वीडन के शहर मालमो में 11वीं शरीफ स्वीडन की जानिब से मस्जिद अल-हादी में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का आगाज तलावत कुरान पाक से अब्दुल हमीद ने किया। قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله तो घर में आए ना तो आज और कल और आज और कल और क्योंकि जो मुहम्मदी होता है उसका अपना रंग होता है। जब बहार आया मानों में मुनक्कद की गई जिसमें नूर मुबारक ईद मिलाद के नबी की महफिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मानों में मुनक्कद की गई जिसमें मोह मुबारक की ज्यारत भी कराई गई जो कि मानों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मोह मुबारक की ज्यारत की गई है ज्यारत कराई गई है महफिल में और ये एक रूहानी महफिल थी जो ही आज उस समय का मोह मुबारक महफिल में आया एक रूहानियत ही छा गई और सब बच्चों बूढ़ों ने इसमें शिरकत की और 11वीं शरीफ मालमों के ज़ेर तमाम महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम के तहत मैसेज ये देता हूँ कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़कद फ़ाज़ा फ़ौज़ा अज़ीमा कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तहकीक उसने बहुत बड़ी कामयाबी को पा लिया। 11वीं शरीफ मालमों ने किया है और इसमें ख़ास बात यह थी कि इसमें आकाए दो जहान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक जो है उसकी ज़ियारत की गई है और ये मालमों में बहुत ही एक खुसूसी चीज़ थी। हालांकि ये उम्मत मुसलमान के लिए बहुत ही खास चीज़ है लेकिन हम जो इधर रहते हैं दियारे गैर में हमारे लिए ये बहुत खास चीज़ थी तो हम इस चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हेड मराला से रॉयल न्यूज़ के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वसीम अलमारूफ साइनिका की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सतेरा पुलिस ने अगवा होने वाले 4 साल कमसिन को आपको बता रहे हैं बाजियाब करवा कर लवाहिकीन के हवाले कर दिया है। मां ने कमसिन बच्ची वसूल करते हुए पुलिस को ढेरें दुआएं दी हैं। थाना सतेरा के इलाके धर्मकोट के रहायशी खातून निगत बीबी की 4 साल बेटी घर के करीब वाकया दुकान से चीज़ लेने गई थी जिसको नामालूम मुलजिमान ने अगवा कर लिया था। डीपीओ सियालकोट
हुकूमत मोहम्मद फैसल कामरान ने वाकये का नोटिस लेते हुए SHO थाना सतेरा अब्दुलरहमान कहलू और चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर फलक शेर को खसूसी हदायत जारी करते हुए बच्चे की बाजियाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया था। खबर शामिल करते हैं ओकारा से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ वटू की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करार देने के खिलाफ मुल्क भर की तरह ओकारा में भी शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं और धरना दिया गया है। अवाम ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तोशा खाना रेफरेंस के गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ आयशा चौधरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वुमेन विंग तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट ओकारा ने कहा है, हम इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मानते। ये फैसला सिर्फ अपने बैरूनी आंकड़ों को खुश करने के लिए किया गया। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए ओकारा के अहदेदारान तरीके इंसाफ के वर्कर्स और आम आवाम सड़कों पर आ गई। कारकुनान ने ओकारा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सियालकोट से खबर शामिल करेंगे। मोहम्मद फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट हिंदू बरादरी की जानिब से शवाला तेजा सिंह मंदिर और जगतनाथ मंदिर में दिवाली की रंगारंग तकरीबात डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बासी ने आपको बता रहे हैं दिवाली का केक काटा है। मर्दों के साथ बच्चों और ख्वातीन की भी शिरकत, मुल्क पाकिस्तान के लिए पुरतनाइयाँ। सियालकोट से मोहम्मद फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता रहे हैं मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी हिंदू बरादरी की जानिब से दिवाली का त्यौहार बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर शवाला तेजा सिंह मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया और जगतनाथ मंदिर पीरस रोड पर डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद अब्बास ने खसूसी शिरकत की। बात की जाए लाहौर की तो लाहौर कजाफी स्टेडियम फिरोजपुर रोड में इमरान सन्स की जानिब से हार्स कोल पेट्रोल पंप का इफ्तिताह कर दिया गया। इमरान सन्स के CEO को दोस्त अहबाब कई जानिब से मुबारक दे रहे हैं और इसका सिलसिला भी जारी है। इस मौके पर जुबैर सिंधु, खालिद सिंधु, इकबाल आसिम, नसीर शेख, शबीर राना, वक्कास राना यासिर ने खसूसी मुबारकबाद पेश की। मुस्तफ़ाबाद और इसके गिरदो नवा में तजावुजात की भरमार, शहरियों का गुजरना हुआ महाल। मुस्तफ़ाबाद में इन बाजार इंसानी मार्केट में दुकानदारों ने अपना सामान कई कई फुट अपनी दुकानों से बाहर रख देते हैं, जिसकी वजह से रास्ता सुखड़ कर रह गया है। राहगीरों को गुजरने में बहुत मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ाबाद मेन बाजार इंसानी मार्केट में मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। जी आतिफ मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद मेन बाजार अंसारी मार्केट में, जहाँ पर दजाजात की भरमार है और यहाँ से राहगीरों करने के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानदारों ने जो भी अपना सामान है सारा रास्ते में रखा हुआ है, जिस वजह से ये रास्ता सुखड़ कर छोटा सा रह गया कि वाम को गुजरने के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना है। मेरे साथ इस वक्त अंसारी मार्केट का इलाका मुकिन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, इस हवाले से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें बहुत मुश्किल का सामना आता है। हमें ये गुजरते हैं, हमारे बच्चे गुजरते हैं, हमारी माई बहनें गुजरती हैं यहाँ से, लेकिन उनकी बहुत दुश्वारी होती है। आज से ज़्यादा दुकान बाहर लगाएंगे, सामने आपको नज़र आ रही होगी जिस दुकान, इसकी वजह से हम आपसे ये अपील करते हैं कि उनका सामान लाया जाइए और इनके रास्ते में भी दिया जाए। कि जैसा कि आपने यहाँ के इलाका में बात, उनका कहना है कि सारी मार्केट में ये जो ज़्यादा की भंडार है, तो दुकानदारों को चाहिए कि अपना अपना सामान अपनी दुकाने में रखें और ताकि यहाँ से जो गुजरने के लिए राहगीरों को आसानी से गुजर सकें। जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा चौधरी उस्मान अवान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जानते हैं मुश्ताक अंसारी की इस खसूसी रिपोर्ट में। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटली गाजी में, UC 144 जनरल काउंसलर UC 144 चौधरी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि वो सियासत में क्या विजन लेकर आए। हम UC 144 में जो भी इंशाल्लाह ताला काम होगा वो मेरिट पे होगा, और जो भी इलाके के काम है इंशाल्लाह ताला मैं वाम का खैर मखा हूँ कि वो रात आए दिन आए मेरे दरवाजे पर मैं उनके साथ डट के खड़ा हूं। अब हमने इलेक्शन जीत कर अपने गांव को साफ सुथरा रखना है और जितने भी काम रहते हैं उनको हम भरपूर तरीके से मलक शबाजवान अवामी एमपीए के साथ जुड़कर वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से अपने काम पूरी तरीके से करेंगे। मंसूर फरमाइश साहब का, एमएनए साहब का शुक्रिया अदा करते हैं
जिन्होंने हमारे इलाके में 20 साल पुराना काम शुरू करवाया और उसको मुकम्मल करने पर कोलीगासी वाले तमाम कोलीगासी वाले उनका शुक्र गुजार करते हैं। ये पार्किंग का काम है, ये हमारे गांव का मसला है, जो फाहद भाई आज ये इसका काम करा रहे हैं। चाहते हैं आप जी, अगर आवाम आपको कामयाबी दिलाती है तो इस सिलसिले में क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह ताला मैं ये काम कर सकता हूँ। ये जो मेरी बहनें हैं, औरतें हैं, जो अपने घर में परेशान हैं, इनके लिए सिलाई स्कूल बनाऊंगा और अच्छी तरबियत के साथ ये अपना कारोबार मकसद करेंगे और अपने बच्चे पालेंगे। यूसी 144 से उनका कहना था कि अगर आवाम ने मुझे अपनी मोहब्बत दी और मुझे जितवाया तो मैं अपने हलके में सिलाई सेंटर ज़रूर कायम करूंगा, जहां पर गरीब औरतें जो ना अपना पेट पाल सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें। तो कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक अंसारी, रॉयल न्यूज़, कोटली गाजी, लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के खिलाफ भरपूर एहतजाज। सदर अजीज भट्टी टाउन मियाँ आमिर खलील उम्मीदवार चेयरमैन इस्लाम जज मलिक खालिद महमूद बॉबी इजहार ख्याल कर रहे हैं। रहमान रहीम, मैं अपनी क्यादत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज काल दी है इमरान खान के मुखालिफ फैसला आने पर। आज पूरा पाकिस्तान रोड के ऊपर गली मोहल्लों तक हर तरफ इत्तेजाज ही इत्तेजाज हो रहा है। एक ईमानदार लीडर के खिलाफ आज उन्होंने फैसला दिया है, इस फैसले को हम नामंजूर कहते हैं। हर बच्चा इसको नामंजूर मानता है। ये इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर के बच्चे के दुकान पे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये सब देख रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं, ये पूरे मुल्क में ये कुछ हो रहा है। ये लोग इम्पोर्टेंट हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन जो कुछ इसने आज किया है, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये इमरान खान पूरी उम्मत मुसलमान का लीडर है, ये पाकिस्तान का लीडर है, ये मुल्क को बेचना चाहते हैं पीछे करके, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ये जो आज इलेक्शन कमीशन नाइल किया है इमरान साहब को, ये बिल्कुल ज्यादती की है। ये सब इम्पोर्टेंट हुकूमत साहब जो मिले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, और ये जो है इंशाल्लाह हम अपनी आज़ादी जो है इनसे छीन के लेंगे, और ये इंशाल्लाह जो है हम ये जो उन्होंने नायल किया है इसको हम ख़त्म करवाएंगे हर सूरत में। PFUJ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लाहौर प्रेस क्लब समेत दीगर सहाफती तंजीमों ने मुश्तका तौर पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी आपको बता रहे हैं भरपूर एहतजाज किया है, और सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया और कहा कि जब तक अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आती उस वक्त तक हर सतह पर एहतजाज जारी रहेगा और किसी भी सूरत में अरशद शरीफ के कातिलों की निशानदेही तक आराम से नहीं बैठेंगे। मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ के बेहमाना कत्ल पर पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी का असम्बली के बाहर एहतजाज। एहतजाज में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असम्बली समेत सहाफ़ियों की कसी तादाद शरीक। सहाफ़ियों ने अरशद शरीफ के आपको बता रहे हैं कत्ल के मरहकात और मुजरमान की गिरफ्तारी के लिए बैन अल-अक़वामी तहकीकती ट्रिब्यूनल तश्कील देने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं बागों के शहर लाहौर से। महकमा एक्साइज इन एक्शन है, गैर कानूनी तौर पर आपको बता रहे हैं स्प्रिट अल्कोहल फरोख्त करने वालों की अब खैर नहीं है। इस हवाले से क्या अपडेट हैं जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर हशाम बट से। जी आगाह करें। जी, DG एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब डॉक्टर आसफ तुफैल की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर हाजी मोहम्मद अकरम ने तमाम एक्साइज इंस्पेक्टर्स के साथ गुज़श्ता रोज़ मीटिंग की और उन्हें हिदायत दी कि अपने सर्कल में तमाम रंग की दुकानों पर मैथैलेट स्प्रिट व अल्कोहल फरोख्त करने वालों को चेक करें। जो लाइसेंस के बगैर स्प्रिट व अल्कोहल बेच रहा है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक्साइज एक्ट 1914 और ऑर्डिनेंस 1979 के तहत मजाज एक्साइज अथॉरिटी से परमिट लाइसेंस के बगैर स्प्रिट व अल्कोहल की गैर कानूनी तरीके से तैयारी, खरीदो फरोख्त, नकलो हरकत और इस्तेमाल कानूनी जुर्म है, जिसकी सजा 5 साल तक
कैद बारी जुर्माना या दोनों भी हो सकती है। लिहाजा ऐसे तमाम अदारे, हस्पताल, एजेंसियाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, फार्मेसीज और कॉस्मेटिक केमिकल्स जो स्प्रिट व अल्कोहल की खरीदो फरोख्त या इस्तेमाल करते हैं उन्हें मुतला किया जाता है कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फौरी तौर पर महकमा एक्साइज से लाइसेंस के असूल के लिए मुतलका एक्साइज दफ्तर से रुजू करें। हाजी मोहम्मद अकरम ने कहा कि इस सिलसिले में महकमा एक्साइज की तरफ से तश्कील दी गई टीमें खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई करेंगी, जबकि शिकायत के लिए महकमा की जानब से हेल्पलाइन भी मुतारफ करवा दी गई है। जी रावलपिंडी से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ रावलपिंडी चौधरी गुलजार नाह से सादिकाबाद पुलिस की फौरी कार्रवाई देखने को मिली है। ज्वेलर शॉप से तलाई जेवरात चुराने वाली दो खवातीन को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे 5 लाख मालियत तलाई जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त सुरैया बीबी और जैनब के नाम से हुई है। मुदई मुकदमा का कहना था कि दो खवातीन दुकान पर गाहक बनकर आई हैं और जेवरात देखने के बहाने तलाई आपको बता रहे हैं सेट चुरा कर ले गए। कमरे आपको बता रहे हैं कैमरे चेक करने पर मालूम हुआ और फौरन थाना सादिकाबाद पुलिस से रब्ता किया गया। मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल में 50 लाख रुपए महाना करप्शन की खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट फर्जी कहानियों पर मुश्तमिल होने की बिना पर सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल टीपू सुल्तान ने मुस्तरद करते हुए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया है। जेल के आला हुकाम और हुकूमत पंजाब को तफसीली वजाहत भी कर दी है। देखिए सर, ये जो हमारे ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की गई है ये मिली भगत से सिर्फ और सिर्फ हमें बदनाम करने की गर्ज से ये बनाई गई है। इस रिपोर्ट की बाबत इसमें एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो रिपोर्ट तहरीर करिंदा प्रूफ कर सके। इसमें ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं जिनकी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है कि ये सब झूठ पे मबनी है। उसमें कहा गया कि एक असगर नामी कैदी जो कि एक वरंट मुंशी ने 50,000 रुपया लेके रिहा किया, जबकि वो 13/5/2019 का डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी भाउसिन से शिफ्ट होके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे सेंट्रल जेल गुजरांवाला बंद है और वहां से रिलीज हुआ, जिसकी बाबत हमने वहां से रिलीज की रिपोर्ट मंगवाई। वो मैं आपको पेश कर सकता हूँ कि आप अंदाजा कर लें कि जो बंदा इस जेल में मौजूद नहीं है उसके मुतल्लिक करप्शन का इल्जाम लगा दिया गया। इसमें कहा गया कि एक वार्डर 6 माह से एक ही जगह पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, जबकि मैं आपको वो डॉक्यूमेंट प्रूव कर सकता हूं कि वो उसको सिर्फ इस जेल पे आए हुए 1 साल 1 माह और 10 दिन हुए हैं और इन्होंने कहा 6 माह से एक ही बीट पे वो मुलाजिम काम कर रहा है, जबकि वो पिंडी से ट्रांसफर हुई 1 माह 10 दिन पहले ट्रांसफर होके आया है। इसमें कहा गया कि जी एक शहबाज नामी बंदा मेन ड्यूटी में करप्शन कर रहा है, जबकि वो शहबाज नामी बंदा सेंट्रल जेल रावलपिंडी में बतौर हेड वार्डर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। तो इससे बड़ा क्या ब्लंडर हो सकता है कि जो बंदे यहाँ पे तैनात नहीं है उनको भी हमारे ऊपर ठोंका जा रहा है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जेल में करप्शन का अरूज है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो मंथली 2 विजिट्स करते हैं सेशन जज साहबान और मुख्तलिफ DC साहबान और मुख्तलिफ हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विजिट करते हैं, तो क्या उन सबको ये नजर नहीं आया और इस रिपोर्ट करने वाले को नजर आ गया ये सब कुछ? ये जो 2 विजिट डिस्ट्रिक्ट जज साहब के जो होते हैं उनमें भी किसी बंदे ने भी ये बात नहीं बताई उन्हें कि ये जेल वाले हमारे साथ करप्शन कर रहे हैं। और तीसरी सोर्स ये कि जेल के अंदर 1 रुपया भी आप बरामद नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि जो भी बंदा बाहर से आता है या कोर्ट प्रोटेक्शन से या उसके अलावा की तो वो प्रिजन बैंक में अमाउंट जमा कराते हैं। शरकपुर शरीफ से हमारे नुमाइंदे मलिक चांद रशीद की रिपोर्ट के मुताबिक TIG मोटरवे महबूब असलम और IG मोटरवे खालिद महमूद की खसूसी हिदायत पर मोटरवे M3 के एरिया में जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल स्पीड चेकिंग सिस्टम का आगाज कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह IG साहब ने काइंडनेस करते हुए हमें मजीद नए कैमरे दे दिए हैं। नए कैमरों का फंक्शन ये होगा स्पीड चेकिंग कैमरों का कि ओवर स्पीड जो गाड़ियाँ होंगी उनके ऊपर इन्फोर्समेंट हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। इससे पहले हमारे पास सिर्फ 2 पुराने कैमरे थे, वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं थे, वो समय लेंगे एक्सपायर हो चुके थे। तो जो कैमरों का स्पीड चेकिंग कैमरों का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आपने माशरे को समझते ही हैं, लोग डेटरेंस कैमरों की वजह से, डेटरेंस थी काफ़ी और उसकी वजह से मतलब है कि लोग खुद ही अवॉइड करते हैं। तो हमारे पास कैमरे चूँकि कम थे इसलिए सिर्फ दो कैमरे थे, ये तकरीबन 230 किलोमीटर का एरिया बनता है हमारा M3 का, तो इस वजह से कैमरे कम होने की वजह से लोग ओवर स्पीड करते थे जिससे सम टाइम एक्सीडेंट भी हो जाते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये कैमरे लगने से हमारी जो एक्सीडेंट की शरह है वो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कम है, बट अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम इसको मज़ीद मिनिमाइज कर देंगे और कैमरे लगने की वजह से जो एक्सीडेंट की जो रेशो है वो इंशाल्लाह ना होने के बराबर आ जाएगी। हमारे लोग अपने आप को, हमारी कोशिश, मोटरवे पुलिस का मोटिव ये है कि लोगों को उनकी मंजिल मकसूद पर सेफ़ तरीके के साथ पहुँचाया जाए और वो सेफली अपनी मंजिलों पर पहुँचे, उनको रास्ते में सिक्योरिटी देना और हर किस्म का उनको महफूज तरीके से पहुँचाना, ये मोटरवे का मोटिव है। तो उसके लिए ये कैमरों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैमरे लगने से इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट की शरह ना होने के बराबर रह जाएगी और लोगों की कीमती जो जाने हैं वो इंशाल्लाह बचेंगी। कि अब हर तकरीबन 20-30 किलोमीटर के बाद एक कैमरा लगा होगा और जो भी वायलेटर होगा उसको हम वायलेशन के ऊपर उसका फाइन करेंगे और अगर उसकी स्पीड ख़तरनाक हद तक तेज़ हुई तो हम पर्चे भी देंगे। हमने एक्सीडेंट की शरह को रोकना है, लोगों की जानों को महफूज करना है, उसके लिए हम किसी हद तक भी जले जाएंगे। ऊपर खबर शामिल करेंगे अहमदपुर सियाल से। वज़ीरे आला पंजाब शिकायत सेल ज़िला जंग के चेयरमैन चौधरी रिजवान कदीर चीमा ने कहा है कि ज़िला जंग को करप्शन से पाक करने के लिए पुरअज़्म हो। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाल से रॉयल न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीरे आला पंजाब शिकायत सेल ज़िला जंग के चेयरमैन चौधरी रिजवान कदीर चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अपने कायद चौधरी परवेज़ इलाही के अहकामात की बजा आवरी करते हुए तमाम सरकारी दफातर से करप्शन का खात्मा करके उनमें बेहतरी लाने और अवाम के दफातर के बार बार धक्कों से जान छुड़ाने के लिए अमली इकदामात उठा रहा हूँ। इस ज़िम्न में ज़िलाई हेडक्वार्टर जंग समेत तहसील शोरकोट और तहसील 18,000 के मुख्तलिफ हस्पतालों, स्कूलों और लैंड रिकॉर्ड ऑफिस का विज़िट कर चुका हूँ। हुकूमत पंजाब के मातहत काम करने वाले तमाम महकमों को बदउनवानी से पाक करने के लिए पहली बार सिर्फ खबरदार कर रहा हूँ। अवाम को रिलीफ ना मिलने और उनकी शिकायात की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाऊँगा। सबसे पहले तनवीर साहब, आपका, आपकी टीम का, चावला साहब का, इमरान भुट्टा साहब का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। लोग जाते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है, तो इंशाल्लाह ये सबसे एक एक दफ़ा तो मैं जाऊँगा, दूसरी दफ़ा इंशाल्लाह उसका एक्शन लिया जाएगा। जो भी ऑफिसर हमारे गरीब भाइयों के काम नहीं करेगा वो हमारे डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों में इंशाल्लाह नहीं रहेगा। ये हमारे वज़ीर आला साहब का विजन भी है, मंशूर भी है और इंशाल्लाह उनको इस मिशन और मंशूर को पाया तक मील पहुंचाने तक मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हमारे कायद मोहतरम चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वज़ीर आला पंजाब का हुक्म है कि आपका मिशन सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है और मैं इंशाल्लाह अवाम की खिदमत के लिए दिन रात मुयस्सर हूँ। जो दोस्त भी मुझे कॉल करता है, व्हाट्सअप करता है, मैं फौरन उसकी जनाब हुक्म की तामील करता हूं और अपने कायद के हुक्म को बजावर लाता हूं। इसी तरह हम अपना तकरीबन 2-4 दिन के बाद मैं तहसील अहमदपुर सियाल का भी विजिट करूंगा। चौधरी खबर शामिल करते हैं सवासल से, जहां पर हमारे सिटी रिपोर्टर लावसाया की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में PDI के एहतजाज खत्म होने के बाद भी मुस्लिम लीग नून मैदान में आ गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाहरी पर खुशी का इजहार। नून लीग रहनुमा मलिक सैफ अलमुल्क खोकर के डेरे पर खोकर बराती के तमाम MPA और MNA ने मिठाई तकसीम की। चीचा वतनी से खबर शामिल करेंगे। DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच की हिदायत पर और SDPO चीचा वतनी साजिद महमूद गोंदल की जेर निगरानी SHO थाना सिटी सईद अली कासमी की अपनी टीम के हमरा एक बार फिर कामयाब कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल चोर गैंग जाफर उर्फ जाफरी गिरफ्तार। थाना सिटी चीचा वतनी अली कासमी ने अपनी पेशा वराना महारत और काबिलियत से मजबूत प्लानिंग के साथ मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना जाफर उर्फ जाफरी और यासीन को गिरफ्तार कर लिया है।
जी बिल्कुल, SHO थाना सिटी चिचावत ने सैयद अली काजमी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मशहूर जमाना मोटरसाइकिल चोर गैंग जाफर जाफरी गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सिटी चिचावत ने अली काजमी ने अपनी पेशावराना महारत और काबिलियत से मरबूत प्लानिंग के साथ मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना जाफर जाफरी और यासीन को गिरफ्तार कर लिया और मुलजमान जाफर और यासीन से लाखों मारियत के साथ मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। शहर के समाजी व सियासी हलकों ने इनकी कार्रवाइयों को सराहते हुए थाना सिटी चिचावतनी के SHO अली काजमी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। उनका मजीद कहना था कि जब से SHO थाना सिटी अली काजमी ने चार्ज संभाला है, शहर में चोरी डकैती और रोज़मर्रा की वारदातों में वाजिया कमी आई है। इमरान नदीम शाह, क्राइम पोर्टल, रॉयल न्यूज़ चिचावतनी। अहमदपुर सियाह से खबर शामिल करेंगे। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल अहमदपुर सियाह में इंसदादियो पोलियो डे के मुनासबत से सेमिनार मुनक्किद हुआ। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर सियाह से रॉयल न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत की तरफ से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में इंसदादे पोलियो के आलमी दिन की मुनासबत से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए मेडिकल सुपरिंटेंडेंट THQ डॉक्टर हफीजुल्ला खान खालिद, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अबरार, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जंग के सदर सर्जन डॉक्टर राना मोहम्मद अब्बास और दीगर मुकर्ररीन ने पोलियो के नुकसानात के बारे में आगाही देते हुए कहा कि पोलियो वायरस आसाबी निज़ाम पर हमला आवर होकर उनको कमज़ोर करता है और पोलियो वायरस मुतासरा फ़र्द के फजले से पानी या खुराक के मिलने से फैलता है। मुकर्ररीन ने कहा कि पोलियो के दो कतरे बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि तहसील अहमदपुर सियाल में महकमा सेहत की तरफ से इंसदादे पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के साथ साथ बजरिया टीका जात भी 5 साल तक की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन की जा रही है। पोलियो क्योंकि वायरस है और ये फुजले के ज़रिए खारिज होता है और सीवरेज में, पानी में, गंदे पानी में इससे फैलाव होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखा जाए, हाथ धोए जाएं खाने से पहले भी, बाद में भी, और जब भी आप खाना पकाने की चीज़ें के साथ हाथ इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त भी हाथ भी धोना ज़रूरी है और सब्ज़ियों को भी साफ़ पानी से धोया जाए, क्योंकि गंदे पानी से सब्जियों पे ये वायरस चला जाता है, तो इस तरह भी ये पोलियो फैलाने का बायस है। पोलियो एक मौलिक मर्ज़ है जिससे बच्चे अपाहज हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, और इस नासूर से छुटकारा हासिल करना बहुत ज़रूरी है, खसूसन जबकि सिर्फ दुनिया में 2-3 मुल्कों में ये रह गया है, और अगर ये हमने अपना ख़त्म ना किया तो हमारे पे सफरी पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। तो मेरी आवाम और मीडिया से और सोशल सोसाइटी से, सिविल सोसाइटी से गुजारिश है कि महकमा सऊदी अरब के साहिली शहर दमा में POCG शोबा ख़वातीन की सदर सईदा नुमेरा मोहसिन की सरबराही में साहिल किनारे पिकनिक का शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें शर्किया रीजन से फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए POCG की सदर नुमेरा मोहसिन ने कहा है, दियारे गैर में बाहिमी इतफाक और जुड़े रहने से हम बहुत से मसाइल पर काबू पा लेंगे। अगर औरतों को मुनासिब तफरीही मौके दिए जाएंगे तो वो अपनी जिम्मेदारियां मज़ीद बेहतर तरीके से अदा कर पाएंगी। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। रॉयल न्यूज़ के तहसील रिपोर्टर मलिक मोहम्मद जिशान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम नून के MPA सरदार मलिक खालिद महमूद वरान ने लीगी कारकुनों के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस का फैसला खुश आइन है और सारी कौम को चोर कहने वाला आज खुद करप्शन में नाअहल हो गया। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली अजन की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन जारी। SSP रोहेल खान खोसा के प्रेस कॉन्फ्रेंस, खैरपुर पुलिस की अहम और कामयाब कार्रवाई, चोरी करने वाले ग्रोह कत्ल के संगीन मुकदमात में मतलब 20 मुलजिमान गिरफ्तार, 35 मोटरसाइकिल बरामद, 5 कारें, 4 लाख रकम, 1 ट्रैक्टर बरामद, बगैर लसेंस असला बरामद, मुकदमात दर्ज।
स्वीडन के समाजी इदारे पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप के ताउन से पाकिस्तान भर में खवातीन के फलाह व बहबूद के हवाले से वर्कशॉप के इनेकाद का आगाज कर दिया गया। स्वीडन के समाजी इदारे पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप और पाकिस्तान की मुकामी तंजीमों के ताउन से खवातीन की सेहत आमा और पेशा वराना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वर्कशॉप मुनक्किद करने का आगाज कर दिया गया। गखन मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी सहाफ़ी पर पुलिस तशद्दुद और झूठी FIR का मामला, सहाफ़ी तंजीमों के एहतजाज पर आपको बता रहे हैं, IG पंजाब का नोटिस, CCPO गुजरावाला ने ASI समेत 3 अहलकान को मुअत्तल कर दिया है। मुकदमा अभी खारिज, थाना अहमदनगर पुलिस की जानिब से ज्वाइंट सेक्रेटरी गखर प्रेस क्लब मोहम्मद आसिफ बर्ड पर कमारबाजी एक्ट के तहत झूठी FIR दर्ज करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाए जाने पर गखर प्रेस क्लब और PFUJ समेत सहाफती तंजीमों ने भरपूर एहतजाज किया। खबर शामिल करते हैं खानीवाल से, नुमाइंदे रॉयल न्यूज़ अबैद रजा की रिपोर्ट के मुताबिक खानीवाल सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ के नैरोबी में कत्ल के खिलाफ PFUJ की क़ियादत में खानीवाल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानीवाल में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है, जिसमें खानीवाल समेत तलंबा, मखदूमपुर, झापकला और कबीरवाला से सहाफ़ियों ने शिरकत की। अरशद इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें यूथ असम्बली फॉर ह्यूमन राइट्स की मुल्क में जारी करदा से नो टू ड्रग्स तहरीक के मुताबिक मरकजी सदर बाबर सोलहरी और आपको बता रहे हैं उसामा कोऑर्डिनेटर राणा ने ज़िला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया है कि मुल्क में मुनशियात फरोशी तेज़ी से जारी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुल्क का शुमार मुनशियात से मुतासर ममालिक की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे जमालपुर से, नामा नगार प्रेस क्लब जमालपुर का हंगामी इजलास, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ का कत्ल आज़ादी इजहार के राय का कत्ल है, शफाफ तहकीकात कराई जाएँ। सदर प्रेस क्लब जमालपुर से हिजर अब्बास गलानी, बानी सैयद नज़ीरुल हसन बुखारी, चेयरमैन नज़ीर खान अब्बासी, शेख सज्जाद इस्माइल, नवाज मेहर, इमरान शान अली ने मुतालबा किया है कि कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात अक़वामे मुत्तहिदा की निगरानी में करवाई जाए, जिसकी निगरानी के लिए पाकिस्तान की मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी जाए, जिनमें सहाफती नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। साहिवाल से आपको बताएंगे, चक नंबर के करीब 99L के करीब घर के 20 साल नौजवान अब्दुल वाहिद को दी, आपको बता रहे हैं DHQ अस्पताल के डॉक्टर अमले ने गैर जरूरी अद्वियात और स्टीराइड इंजेक्शन देकर मरीज को मौत के घाट उतार दिया है। नौजवान अब्दुल वहीद घर का इकलौता सहारा था, जो घर के अखराजात उठाने के अलावा साहिवाल की निजी यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल कर रहा था। मजीद अब्दुल वहीद के घर वालों ने मीडिया से क्या गुफ्तगू की है, आइए आपको सुनाते हैं। इनके मामू हैं, असल में इनको शुरू में बुखार हुआ था, ठीक है, और जब हम इनको लेके गए तो उन्होंने कहा इनको डेंगू हो गया, डेंगू वार्ड में गए तो इनको जूस वगैरह पिलाए गए इनके कहने पे, लेकिन तो इनको डेंगू नहीं था, और जब डेंगू टेस्ट नेगेटिव आया तो फिर इन्होंने हमें मेडिकल वार्ड में भेज दिया वन में, वहाँ पर इनकी कोई केयर किसी किस्म की केयर नहीं की गई, उल्टा डॉक्टर बदतमीजी करता था। कि स्टीराइड के साथ अगर उल्टियां आई तो क्यों आई, हमने क्यों यूज कराई, क्या वो सीनियर नहीं थे, जो उसके साथ जुल्म हुआ, अकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, उनका घर उजड़ गया, मैसेज किया, मैसेज के सही जरिए बताया कि इसको कुछ ना बताना, इसको कुछ ना बताना, ठीक है, वो टेस्ट ही इन्होंने हमारी फाइल से गायब कर लिया, बच्चा ठीक है, बच्चा जरा सी फोत हो गया, इन्हें देखे मैं हाथ जोड़ दी नहीं जाके, इन्हें मेहनत डॉक्टर देखे मैं कर दी नहीं, फिर डॉक्टर साहब जी परेशान मेरे बच्चे लिए, मैं कहनी है कि आज मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, किसी और माना जुल्म बनाए हो। नुमाइंदे रियाज जट की रिपोर्ट के मुताबिक तालुका चंबर की
GRHC अस्पताल के मुलाजमीन रिस्क अलाउंस के लिए मुसलसल 11वें रोज़ भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। चंबर की GRHC अस्पताल के मुलाजमीन रिस्क अलाउंस के लिए मुसलसल 9 रोज़ भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हुकूमत सिंध की जानिब से रिस्क अलाउंस समेत दीगर मराद ख़त्म करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। खानेवाल में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से M4-M5 बीट नंबर 22 में स्मोक और फोग से आगाही के बारे में सेमिनार का आगाज DIG शाहिद जावेद ने शजरकारी मुहिम से किया है। इस पर देखते खानेवाल से राव मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट। IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद के VN के मुताबिक DIG मोटरवे सेंट्रल जोन शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर M4 आतिफ अली की हिदायत पर स्मोक और फोग की आगाही के सिलसिला में बीट नंबर 22 में सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें सेक्टर कमांडर M5 राना इस्माइल, सेक्टर कमांडर नदीम अशरफ वड़ैच, SP राना मोहम्मद अशरफ, कमांडर मोहम्मद हसन भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर आमिर इफ्तिखार समेत सिविल सोसाइटी के अफराद, मकामी ताजरों और नतकारों के अलावा मकामी स्कूल के साजा तुलबा और तालबात और पुलिस के अफसरान व जवानों ने पूरी शिरकत की। मोटरवेज के साथ साथ और बाकी अपने कैंप एरियाज में, अपने साइट एरियाज में प्लांटेशन ड्राइव कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले फेज में हमने कोई तकरीबन 1000 के करीब पौधे लगाए हैं और उसके अलावा ये प्लांटेशन ड्राइव हमारी जारी रहेगी। दरख्तों को लगाएंगे, इस मुहिम में आगाही भी दे रहे हैं, लोगों को ब्रीफ भी कर रहे हैं, खुद भी हम इसका हिस्सा शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर DIG शाहिद जावेद ने सेमिनार के शुरका और रोड यूजर और निजी कंपनी की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज करके पौधा लगाते हुए कहा कि दरख्त लगाना सदकाए जारिया है और दरख्त फिजाई आलूदगी के खात्मे और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में अहम किरदार अदा करते हैं। फोग उसके बारे में आगाही देना थी और साथ ही प्लांटेशन पे जोर दिया गया, तो हमने इन्होंने जो अपनी प्लांटेशन की हुई थी हमारे पूरे स्कूल के बच्चों को वहाँ पे विजिट करवाया। मोटरवे वालों ने प्लांटेशन की है, ये जो प्लांट होते हैं हमने इनको बहुत अप्रिशिएट किया है क्योंकि प्लांट आलूदगी ख़त्म करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म करने के लिए बहुत से पौधे लगाए गए हैं, हमें भी चाहिए कि हम फिज़ा को साफ़ सुथरा करने के लिए यहाँ बहुत से पौधे लगाएँ जिससे हवा साफ सुथरी और पौधे ऑक्सीजन फराहम करने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में कमी और परिंदों और जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद के VN के मुताबिक पुलिस थाना कल्याणा की दबंग कार्रवाइयां खालिद उर्फ पोमी 3 रुकनी बैनल जलाई तकेद गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। आरिफ वाला थाना कल्याणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई 3 रुकनी बैनल जलाई तकेद गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। आरिफ वाला गिरफ्तार तकेद गैंग जिला पाकपतन तहसील आरिफ वाला में दकैती की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस और पुलिस को मतलूब था। अब आपको ले चलते हैं शोरकोट, जहां हमारे नुमाइंदे हाजी नासिर जट की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीरे आला पंजाब के कंप्लेंट सेल के चेयरमैन जिला जंग का शोरकोट का दौरा, जहां उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लवाहिकीन के मसाइल सुने। कंप्लेंट सेल डिस्ट्रिक्ट जंग के चेयरमैन रिजवान कदीर चीमा ने शोरकोट का विजिट किया है, जहाँ उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट के दौरे के दौरान मुख्तलिफ वार्ड्स का भी विजिट किया। खबर शामिल करेंगे फरुखाबाद से, हॉकी स्टेडियम में सजा रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जहां मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मुख्तलिफ खेल पेश करके देखने वालों को खूब महसूस किया, जबकि तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर कानून पंजाब चौधरी खुर्रम शहजाद विर्क थे। मजीद तफसीला जानते हैं शाहिद जकी की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा हॉकी स्टेडियम में फेस्टिवल का आगाज रंग बिरंगे गुब्बारे फिजा में छोड़कर किया गया। फेस्टिवल में बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करने के साथ साथ खेलों के मुकाबले जिनमें रेस, पपट शू, पेंटिंग्स, कशीदाकारी और इसके अलावा तकरीरी मुकाबले भी करवाए गए। सूबाई वजीर कानून खुर्रम शहजाद विरक, अलकलम जर्नलिस्ट के चेयरमैन शहजाद विरक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। स्टेडियम में असातजा, वालदैन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सूबाई वजीर कानून खुर्रम शहजाद विरक का कहना था, मुख्तलिफ स्कूलों में बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए पंजाब हुकूमत सरकारी सतह पर खेलों के प्रोग्राम्स करवाने जा रही है। प्रोग्राम आर्गनाइज़र मियां अफजाल अहमद का कहना था, ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर हम मुख्तलिफ स्कूलों में ऐसे फेस्टिवल करवाएंगे ताकि तालीम के साथ साथ खेलों से बच्चों की बेहतर नशोनुमा होती रहे। आज के बच्चे हमारे आने वाले मुस्तकबिल का सरमाया हैं। ये स्पोर्ट्स डे हर स्कूल में होना चाहिए क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो ये कह रही है कि आजकल वालदैन जो हैं वो अपने बच्चों को मोबाइल्स में उन्होंने लगाया हुआ है, वो कोई ग्राउंड वगैरह का रुख नहीं कर रहे, ठीक है।
और सेकंड बात ये कि बच्चों को हर एक वीक में ज़रूर स्पोर्ट्स डे के लिए स्पोर्ट्स करने के लिए हर मैदान में जाना चाहिए, ताकि मैदानों में भी कोई रश वगैरह हो, बच्चे अच्छा खेल सके, उनके मसल्स मजबूत हो सके। ठीक है, बहुत मज़ा आया, मैंने आज एरोबिक्स में, टैबलो में और मार्च में हिस्सा लिया। मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में पोजीशन लेने वाले बच्चों में नगद इनामात, शील्ड और ट्राफियाँ तकसीम की गई। शेखुपुरा हॉकी स्टेडियम में फेस्टिवल का आगाज, रंग बिरंगे गुब्बारे फिजा में छोड़। अब आपको लेके चलते हैं शोरकोट, जहां हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक क्यामे पाकिस्तान से कबल काबिज चले आ रहे हैं। लोग जिनके कमरे आपको बता रहे हैं बिगड़ चुके हैं, वो चार दीवारी अंदर अपनी बामुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी रिहाइश पर चंद बासर अफराद की कब्जे की कोशिश और इन पर दिन दहाड़े फायरिंग, जबकि पुलिस ने इन बासर अफराद से मिली भगत के बाद नाजायज़ असलाह का मुकदमा दर्ज किया। मुतासरीन ने पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया और आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की। मलिक अफजर ब्यूरो चीफ की खसूसी गुफ्तगू, असद खान चांडिया से नजीब खान को हटाकर दौर मोहम्मद खान को लाइन ऑफिसर तैनात कर दिया गया। जी इन वक्त असा खड़े असद चांडिया सारे सराइकी खिते दे माया नाज और बहुत ही तजर्बागार अफिसर डी जी खान के बाद कोर्ट छुट्टा लगे गए, उनके बाद तौसा शरीफ लगे गए, इन्हें खिदमात को देखते हुए जिला डेरा गाजी खान के तैनात कर दिया गया, जिंदे बी एम पी और ट्रैबल एरिया दे बहुत बड़े मसाइल हैं, स्कूल थी गए, हॉस्पिटल थी गए, बी एम पी चेक पोस्टा थी गई। असर चांडिया साहब कने सवाल करे सूँ ये क्या तुम जानते हो कि ट्रैबल एरिया दे एक नहीं ढेर सारे मसले हैं, उनके सेहत है, एजुकेशन है, उनके सारे रोड्स के मसले हैं, सारी पानी के मसले हैं, एक्सेस है, एम्बूलेंस हो गई, ये सारे मसाइल जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इन दी कवरेज के पिछे अस लगे हुए हैं। हस्पताल हैं वो भी अस विजिट करें देखने हैं, राखी मूँह का किते कल फोर्टमैन रुके से उत्थ भी किते ही हफ्ते दे। अच्छा सर एक भी शिकायत है ट्रांसपोर्ट आ प्राइवेट मुलाजमीन खड़े रहते हैं चौके के उत्ते, ये सारे पैसे वगैरह गिनते रहते हैं, इन्हें खिलाफ जनाब बुरी क्या कार्रवाई करे सर अगर ये पकड़े भी गए तो? अगर पकड़े हुए गए तो बामुताबिक कानून उन्हें तय, सारे मसाइल जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इन दी कवरेज के पिछे मोटरसाइकिल हैं वो भी पकड़े हुए हैं गायते हैं, वो कोई अजा बंदा नहीं पता गया। मोनिटरिंग हर जी गड्डी आवन वजन वाली वो चेक थी पी है, पहले जो हैं वो अपना लैंड स्लाइडिंग की वजह तो ट्रैफिक भी बंद है, जिन मतलब कार्रवाइया सारे रुकिया हुआ, पुलिस ने तकरीबन डेढ़ मन चार सौ पकड़ी है, क्योंकि जनाबुरी जन कार्रवाई सारे चौके से थी पैन और डेदे खड़े जनाबुरी मौके पर भी पहुँचते पैन साढ़े कने कोई गड्डी इंशाला चुक के या बच के कोई कहना वैसे इंशाला कानूनी कार्रवाई अमले ले आई वैसे। जी असर साहब का यो आखने कि मैं रात नहीं ड्यूटी करे सी का ऑफिस रात का विजिट भी करें चौके के उत्ते बन के जिता चीज़ा पकड़ी उन्हें को एप्रीशिएट कर। खबर शामिल करते हैं सवासल से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग की जानिब से वर्कर्स की आगाही के लिए बामुकाम इवन शादी हॉल मेन फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप लाहौर लिंक मार्च, आपको बता रहे हैं लॉक मार्च यूथ कन्वेंशन में इंशाल्लाह चेयरमैन मियां अनीक जाहिद लतीफ़ की सरपरस्ती में दोस्तों के हमराह शिरकत, जिसमें आतिफ चौधरी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी जुबैर खान नियाजी साहब, आतिफ मियो साहब, हाजी मेहताब भट्टी साहब, फैज भट्टी साहब, सदर लाहौर शेख इम्तियाज साहब और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आल न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।